इसी में मेरा ख्याल है वो जो पहला स्टेप कहते हैं ना कि आपने एक दफा ले लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप गिरेंगे, संभलेंगे, गलतियां करेंगे, सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कॉन्फिडेंस के साथ डर का होना बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है, जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है, कि जी अगर कॉन्फिडेंस के साथ डर नहीं है तो बैलेंस नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, सही या फिर आप सिर्फ डरे हुए हैं तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको वो काम करना ही नहीं चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखें, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है कि मैं कर सकता हूँ, एक जो डर होता है कि वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँगा। तो आपको अगर सपोर्ट हो तो आप यकीनन कर सकते हैं। सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बल पे अगर करना शुरू कर देते हैं तो आपको न जाने कितने साल लगेंगे उसकी सक्सेस में। और कई लोग जो होते हैं, दरअसल नेचुरली दे आर बोर्न फॉर दैट। जी 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 आप थ्री इडियट फिल्म देख लें या तारे जमीन पे देख लें, जो आमिर खान का कॉन्सेप्ट है वो यही है ना, कि आप जने हो उस चीज के लिए, आप पैदा हुए हो वही काम करने के लिए। लेकिन आपको कब पता चलेगा कि आप इस काम के लिए पैदा हुए हो, आप इस काम के लिए दुनिया में आए हो। और जहां तक ये रेडियो की बात है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा ही पैशनेट काम है। जो लोग इसको पैशन से, अब कई लोग आए और वॉलंटरी हमारे पास कई लोग आते हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम रेडियो ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जब उनसे कहा जाए कि क्या आप रेडियो प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, कहते हैं नहीं 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 ये काम हमसे नहीं होगा भाई, हमसे बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकेंगे। और मैं आज आपको एक और राज की बात बताऊं कि जितने भी प्रेजेंटर आज तक आए पिछले 3 साल में, हर प्रेजेंटर ने जब पहली बार फेडर ऊपर किया तो उनके हाथ कांप रहे थे और खुश उनके होंठ जो थे वो लरज रहे थे। जी खुश भी हो रहे, खुश हाँ, भी हो जाते तो होंगे। धड़कन जो है वो बहुत तेज हो जाती है क्योंकि जाहिर है वो ये डर बहुत अच्छा होता है। इससे आप अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको, जैसे मैं पहले कहा कि कॉन्फिडेंट है भाई, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो और आप बहुत सारी गलतियां कर दोगे। डर के दौरान आप गलतियां बिल्कुल नहीं करते, आप संभल संभल कर काम करते जी हो, जी सोच सोच आप कर करते केयरफुली हो, आप चलते हैं। आप केयरफुली करते हो, आप लिख कर रखते हो, अपनी स्क्रिप्ट बनाते हो। तो अगर वो कहे यार मुझे क्या जरूरत है स्क्रिप्ट की, यार मैं बैठूंगा अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दूंगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होता।